कल आने जा रहा है लिविंग इन अ कार फॉर 24 आवर्स। बोतलें चाहिए पेशाब करने के लिए। यार मैं तो कहता हूँ इनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ शीशा नीचे करेंगे। हाँ और बाहर ही कर देंगे। 14 साल का बच्चा जो है बाइक चला रहे बाबे। ये बाइक की चाबी दे दो मुझे। हाँ जी ये आप जब्त हो गई है। ये जा रही है सीधा आईजी पंजाब के पास और आपको चाबी चुबी कोई नहीं मिलनी। चलो जी छुट्टी होगी। जब्त हो गई है ये आपको जो है कोर्ट से मिलेगी हाई कोर्ट। बाबे ले जा। तुम्हें तो आती नहीं चला। ले जा ले जा ले जा। आज के बाद कोई भी 18 साल से बाबे नहीं हो भाई। आज के बाद 18 से नीचे जिसने भी बाइक चलाई उसकी हमने ऐसे ही बाइक ले जानी है रास्ते से। तो यार यहाँ पे मैंने व्लॉग खोलना नहीं था लेकिन इस वक्त मैंने व्लॉग इसलिए खोला हुआ है कि ये वाली वीडियो तुम लोगों ने देखी होगी उसके अंदर जो है अरूब ने हमें एक गिफ्ट दिया था। उसको लग चुकी अच्छी खासी नजर और ये अभी अरूब कुछ सामान वगैरह ऊपर लेके जा रही थी और उसने धर्म करा दिया है और मेरा गिफ्ट टूट गया भाई। भाई साहब इसका कुछ रह ही नहीं गया। इसके ऊपर जो है ना बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था वो भी सारा जो है ना टूट टूट के इसके टुकड़े शुकड़े जो है ना सारे गिर गए। उसके अंदर पानी था भरा हुआ वो पाउडर शाउडर वो सब कुछ गिर गया। और वो कैसे गिराया तुमने यार? मुझे नहीं पता मैं बस चुपके उड़ के जा रही थी यूं उछल के निकला बाहर और इतनी जोर का गिरा। ये देखो क्या हुआ। ये इसके नीचे देखो ये काम हुआ है। एक सेकंड भाई गेम पता लग गई है। ये काम हुआ है ये इसके नीचे ड्रम करके निकला है। शापर ही फटा हुआ था। तो अभी वाइपर से जो है ना अभी थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं साइड पे। तो भी इसके जो है ना मैं पुर्जे उठा के ले आया हूँ। वैसे सेल इसके अंदर डाल के देखते हैं अगर चल पड़ता है तो ठीक है हम लोग इसको ऐसे ही रख लेंगे कोई बात नहीं। अब अरूप ने जो है इतने प्यार से हमें गिफ्ट दिया है इस तरह फेंकेंगे नहीं इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे भाई। सेल वगैरह जो है हम लोग इसके अंदर डाल के देखते हैं। अरूप जान है इसके अंदर अभी भी काम तो कर रहा है बस उसका ऊपर से शीशा टूट गया कुछ हो नहीं सकता। The next day हम लोग जी we are back with another vlog। कल जो है मैंने व्लॉग नहीं था डाला लेकिन उसकी तुम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आज तो ये व्लॉग आ गया है। कल आने जा रहा है लिविंग इन अ कार फॉर 24 आवर्स। मुझे पता है कि मैंने पहले भी जो है लॉन्च किया था कि लिविंग इन अ कार फॉर 24 आवर्स हम लोगों ने बनाना है लेकिन बीच में जो है रोजे आ गए थे उससे पहले ट्रिप आ गया था उससे पहले ढीला हो गया था यार मैं। अच्छा तो वो करी है हमारी कार फॉर्च्यूनर लेजेंडर जिसके अंदर हम लोगों ने चैलेंज करना है और आज जो है ना हमें उसकी तैयारी करनी है भाई। तैयारी हम लोगों ने क्या क्या करनी है वो भी मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ टेंशन नहीं है लेकिन उससे पहले वेलकम बैक हो गया तुम सब कहने तो व्लॉग के अंदर। अगर अभी तक तुम लोगों ने व्लॉगिंग ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा देना क्योंकि लिविंग इन अ कार फॉर 24 आवर वाली चैलेंज वाली वीडियो कभी भी आ सकती है भाई। फटाफट तुम लोगों ने देखनी है। आज पूरा दिन जो है हमारी तैयारी पे ही लग जाएगा। सही है हमें जो है ना काम ये करना है कि ये पहले सीटें होंगी फोल्ड। भाई साहब इसको भी फोल्ड कर लेते हैं। चलो जी अब जो है ना हमारे पास काफी अच्छी खासी स्पेस बन गई है भाई। बंदा यहाँ पे चार भाई बचा के घर भी बसा सकता है और हमें चाहिए इस साइज का कोई मैट्रेस या फिर कोई गद्दी शद्दी कोई सॉफ्ट सरफेस करने के लिए और वो भी दो लोगों के लिए क्योंकि बाबे ने भी आना ठीक है वो हमारे साथ चैलेंज करेगा यानी कि मैं और बाबे 24 आवर्स के लिए गाड़ी में बंद हो जाएंगे और गाड़ी यहाँ पे खड़ी भी नहीं होगी। गाड़ी खड़ी होगी किसी सुनसान जगह पे जहाँ पे आसपास कुछ है ही नहीं ताकि प्रॉपर तरीके से चैलेंज हो सके। ना हम लोगों को इजाजत है गाड़ी से बाहर निकलने की ना हम लोगों को इजाजत है कि गाड़ी के बाहर से कोई चीज अंदर ना कोई चीज बाहर जाए। जी हाँ कोई चीज बाहर भी नहीं जानी चाहिए जो भी टट्टी पेशाब होगा वो अंदर ही होगा। तो उसके लिए भी जो है ना हमें बोतलें शोतलें चाहिए फिर इसका हम लोगों ने जो है ना कुछ सामान वगैरह लेने जाना है। तब तक बाबे भी आ जाएगा फिर ठीक है फिर उसके साथ जो है प्लान करेंगे टका के हमने एग्जैक्टली करना क्या है। 3 hours later हाँ जी यार इतनी लेट दरवाजा खोलते हो अगर बंदे की पॉटी निकल जाए फिर। पॉटी तो निकलेगी फॉर्च्यूनर के अंदर मैंने सोची है दो तीन चीजें जो हमने चैलेंज करना है ना लिविंग इन अ कार वाला। नहीं यार मैंने नहीं करना मैंने ना 3-4 बार दिन में वॉशरूम जाना होता है तो फिर इसके अंदर होगी कर लेंगे ना डब्बे शब्बे लेके जाएंगे बोतलें लेके जाएंगे। बाबे शुगर नहीं लगना है स्मेल का क्या करेंगे स्मेल के लिए शीशे खोल सकते हैं हम। और अगर मैं अंदर किसी एक बंदे को ले आऊं तो मसला तो नहीं है फिर तो मैं पूरा महीना भी रह लूं। मैं लेके आता हूँ एक मैट्रेस जो इसके जो है ना पीछे फिट आ जाए। अम्मा जी मुझे बताएं कि आपके पास कोई गद्दा शद्दा है कोई सॉफ्ट अपना मैंने जो है ना गाड़ी के अंदर बिछाना है गाड़ी के पीछे वो मैंने जो है ना लिविंग इन अ कार फॉर 24 आवर चैलेंज करना है तो उसके लिए चाहिए था नीचे जो है ना सरफेस थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। 24 आवर्स हाँ क्यों तब दूंगी जब आप 24 ईयर्स रहोगे वहाँ पे। अम्मा आप मुझे ऐसा कि मैंने ड्रामेबाजी की मैंने वैसे ही घर छोड़ के चले जाना है मुझे गद्दा से तो दे दे अगर है तो वॉशरूम करना अलाउ है उसके बाद वहीं रहो। नहीं वॉशरूम भी मैंने खिड़की से बाहर खड़े हो कैसे करके कर लेना। मेरे ख्याल से ये ठीक है इसके ऊपर शायद मैं चादर बिछा लूं बल्कि दे दें दिखाएं। हाँ ये बिल्कुल ठीक है भाई बल्कि है भी उसी साइज का ये देख काम सेट है कि नहीं क्या बात है बात है ना सही है ना यही बिछा लेते हैं बस लेकिन मुझे स्मेल आ रही है इसे। तुम्हें पता है पॉटी पेशाब जो है ना लई को तरह तक सोते सोते तो फिर वो उसका थोड़ा होगा स्मेल स्मूल
काम सेट है कि नहीं? हाँ मजा आएगा, लेकिन सोना तुम्हारे साथ पड़ेगा ना, ये काम खराब है। अब हमें पता क्या चाहिए? क्या? बोतलें चाहिए पेशाब करने के लिए। ओ बोतल 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 बोतल, एक ये बोतल हो गई और एक ये बोतल हो गई भाई। ऐ वेख बाबे, यार मैं तो कहता हूँ इनकी जरूरत ही नहीं है। हाँ शीशा नीचे करेंगे। हाँ और बाहर ही कर देंगे। चैलेंज है ही ये कि भाई गाड़ी के अंदर ना कोई चीज एंटर हो सकती है, ना गाड़ी से बाहर कोई चीज जा सकती है। हाँ जी, तुमने टट्टी शट्टी करनी है, गाड़ी के अंदर ही होगी। तो अभी डब्बा मतलब जब हम सुसु कर लेंगे तो फिर हम लोग ये बाहर फेंक भी नहीं सकते। नहीं, ये इसलिए तो कैप लगा हुआ है ऊपर, कैप लगा होगा। ठीक है, तुमने सुसु पोटी करके इसी को बंद करके इसको तुमने गाड़ी के अंदर ही कहीं पे रखना पड़ेगा। एक काम और कर सकते हैं। क्या? जब मुझे पेशाब आएगा तो मुंह खोल लेना। यार अब तुम भाई के मुंह में पेशाब करोगे? कोई नहीं, मुंह भी धुल जाएगा तुम्हारा। कुली शुली कर लेना, कुली शुली कर लेना बाबे। मैं नहीं कर रहा ये चैलेंज। क्यों भाई? ना कुछ बाहर फेंक सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये बोतल रख दे बस अंदर, ये बड़ी वाली मेरी ठीक है, तुम्हारी छोटी वाली। अब बस हमें पोटी करने के लिए डब्बा चाहिए। मैं खाली डब्बे हैं दो। किस तरह के? छोटे मोटे मीडियम साइज के। क्या डालोगे? मतलब पता लगे डालना क्या, उस हिसाब से मैं आपको देती हूँ। सामान डालना है। कैसा सामान? के कपड़े शपड़े क्या सामान? वो मैं आपको सामान की डिटेल दूंगा ना, फिर वो आपने कहना है कि मैं डब्बा नहीं दे रही। कोई भी ऐसा डब्बा जो लीक ना हो, साफ सुथरा। ये क्या ओए 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 ओए, ये बिल्कुल अम्मा ये बिल्कुल काम आ जाएगा, ये बल्कि एक ही बोत है बाबा, ये देख। हाँ हाँ, पोटी वोटी करने के लिए काम इंतजाम हो गया भाई। और ये साइज इसका बहुत है, हम दोनों की हो सकती है इसके अंदर। ये तो बंद भी हो जाती है। बंद हो जाती है, एयर टाइट हो जाएगी। ये किचन वगैरह में से उठा के ले आया, मामा ने मारना है। स्मेल भी नहीं आएगी, गुड हो जाएगा है ना। हाँ, परफ्यूम भी डाल देंगे इसके अंदर। तो भाई पोटी छोटी करने के लिए डब्बा भी हमारा हो गया अरेंज। एक चैलेंज हो रहा है भाई, मैंने नीचे किसी का कमेंट पढ़ा, मुश्किल से मुश्किल करी जा रही हूँ। नहीं लेकिन काम सुन तो सही, जो हमने अंदर बैठ के जो खाना है ना, उसका बजट होगा 200 रुपए पर बंदा। मतलब 24 घंटे के अंदर 200 यूज करना है बस। बस वो उसकी शॉपिंग हम अभी करेंगे, क्या तुमने खाना है क्या नहीं वो अभी से तुमने डिसाइड करना है। उसी 200 रुपए के अंदर बाबे तेरा पानी आएगा, तेरा फूड आएगा। 50 रुपए की तो पानी की बोतल है। दुकान पे जाके देखते हैं, हो सकता है आज भाई। अभी जो है ना हम लोग जाके देखते हैं दुकान में, ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है हमें 200 का। A few moments later. तो दुकान पे पहुंच चुके हैं। यार बाबे पागल है यार, तुमने खोल के खा भी नहीं, खाना शुरू कर भी दिया है। 400 रुपए का बजट है, ठीक है, हम दोनों ने जो है ना एक दिन गुजारने उसमें से 400 रुपए के अंदर जो है ना, मुझे बताओ क्या क्या आ सकता है। कितने की है निम्को? ये देख 100 रुपए की तो ये हो गई। ये पानी की बोतल कितने की है? 110। ये देख हमारे पास रह गए 290, 110 रुपए की ये है। तुम्हें पता है मुझे खांसी लगती रहती है, तो हम लोग को ऐसी दो चाहिए बाबे। 1.5 लीटर बहुत है यार। इसके अलावा नहीं कोई सस्ती पानी की कंपनी जो पानी सस्ता देती हो? 100 रुपए की है वो, दे दो 100 रुपए वाली दे दो। ये 100 रुपए वाली है, आपकी तरफ से 80 रुपए की हो जाए, हैं क्या ख्याल है? और दे दो यार 20 रुपए नहीं डाल सकते बंदे, इतनी माशाल्लाह बड़ी दुकान। बाबी स्लाइस पकड़ लेते हैं ना, एक ये देख छोटी ब्रेड पकड़ लेते हैं। कितने की है यार ये भाई? ये 210। 200 रुपए की है यार। मैं आज से कोई 2-3 साल पहले 40 रुपए की लेके जाता है यार। वो 2-3 साल पहले थे ये दो। नहीं तो कोई 2-3 साल पुराने की ब्रेड दे दो, कोई मसला नहीं। प्लेन ब्रेड हम लोगों ने छोटी कर ली है। ये कितने की है भाई ये वाली? ये 120। 120 की ये होगी। 100 रुपए का पानी, 120 की ब्रेड। ब्रेड पे लगाने के लिए कोई जैम जूम भी ले लें या अचार वगैरह है? अचार कौन लगाता है यार, जैम लेंगे ना हम। यार कोई जैम देना, 2 नंबर सस्ता था। कितने का ये? 300 रुपए यार, कोई छोटा सा दे दो ना यार। यार मैं तो कहता हूँ कोई बिस्कुट बुस्कुट ही ले लेते हैं, ठीक है, उसी से गुजारा कर लेंगे। ब्रेड रहने दे, ब्रेड के अंदर, ब्रेड के साथ जो है ना हमें लगानी पड़ेंगी अलग अलग चीजें। बिस्किट रेडीमेड पड़ा हुआ है। ये इनमें से कोई चिपस चुपस पकड़ लेते हैं, ये इस तरह की है छोटे मोटे चिपस भी। 60 रुपए का भाई, 10 रुपए का हुआ करता था ये वाला। कोई बिस्किट बुस्कुट दे दो यार, कोई 10-20 रुपए वाला। कितने का ये? 20। ये 100 रुपए के आप बिस्किट वैसे ही निकाल दो अपने से। बिस्किट बुस्कुट हो गए, ये केक बड़ा मजे का। चैलेंज तो कल स्टार्ट होना, ये अभी वैसे ही ले लेते। ब्राउनी भी ले लेते हैं एक दो हैं। ये कितने की है ये वाला केक? 50 रुपए का यार, पूरी ब्रेड 50 रुपए की है। केक कैसे 50 का हो गया यार? मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान छोड़ के, इतनी महंगाई हो गई है भाई। मैं जा रहा हूँ, ठीक है डकी, मैं जा रहा हूँ। शहर दिखा दो कोई सस्ता, कोई छोटा नहीं पड़ा हुआ। 120। कितने का ये? 120 का ये? 90। शायद असली है, जाली है? असली है। शीरा तो नहीं है? ये वाला कर ले, 90 रुपए का शायद है ब्रेड के साथ। 2 नंबर होना है बता रहा हूँ, लेकिन कोई ना गुजारा कर ले। हाँ ब्रेड के साथ ये ठीक है बाबे। ये देखना 120 रुपए की ब्रेड, 90 का ये शायद हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। ये हमारे अशने मशने सारे 20 रुपए के एक है, 100 रुपए की ये हो गए, 100 रुपए की पानी की बोतल होगी। कितना हो गया भाई? 300 रुपए हो गए ना। कोई ये टोटल बिल तो करना वैसे कितना हुआ है भाई? वैसे ये भी जो है ना भाई साहब बिल कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं कितना बनता है भाई। 120 तो भाई ये चॉकलेट वेफर्स का बन गया, 480 बना टोटल। इसमें 80 रुपए का क्या क्या निकल सकता है यार भाई? 80 रुपए आप माफ कर दो ना यार, क्या जाता है आपका है ना। ये तुम्हें मशुका ने बोला था, तुमने पूरी दुकान उसके नाम कर देनी थी। 80 रुपए नहीं निकाल सकते, माफ कर दो, माफ कर दो। अब तो चुमी भी ले लिए, फिर मानोगे फिर 100 ज्यादा हो जाएंगे। अगर चुमी भी लिए चलो कर दो भाई साहब का रेट 100 रुपए है, कहना चाह रहे हैं। Guys,
टूटी फ्रूटी वाले वेफर्स निकाल दो, ये 50 रुपए का, हाँ ये निकाल दो 50 रुपए तो यहाँ से चले गए, अब हो गया 430, 30 रुपए के आप ये चॉकलेट वाले वेफर निकाल दो, दो निकाल दो इसमें से, दो ये निकाल दिए भाई, चलो अब हो गया 390, 10 रुपए का क्या मिल सकता है, ये कितने का है, 10 रुपए का ये, बस ये ऐड कर दो, 400 पूरा हो गया, ये लें जी, कोई नहीं भाई आपने माइंड नहीं करना है, मजाक शुक्र मिला होता है हमारा है, हम लोग जी क्या ही क्या ये क्या बाइक की चाबी है, बाइक चला के आ रहे हो आप, क्या बाइक चला के आ रहे हैं, क्या उम्र है भाई, 14 साल, 14 साल का बच्चा जो है बाइक चला रहे हैं, बबे अब हम बन गए हैं वो रिपोर्टर जो बीच बीच में रास्ते में लड़कों को रोक के जो है जलील करते हैं मीडिया पे, अब फॉर एग्जांपल इनका एक्सीडेंट हो गया ना, फिर पता है इनके माँ बाप क्या बोलते हैं, हाय ऊपर वाले की किस्मत में था जो हाँ, मेरी जान जब 18 साल के हो जाओगे ना तो बाइक चला लेना, ये बाइक की चाबी दे दो मुझे, हाँ जी ये आप जब्त हो गई है, ये जा रही है सीधा आईजी पंजाब के पास और आपको चाबी चुबी कोई नहीं मिलनी, चलो जी छुट्टी होगी, जब्त हो गई है ये आपको जो है कोर्ट से मिलेगी, हाई कोर्ट, बाबे ले जा, तुम्हें तो आती नहीं, ले जा ले जा ले जा, फटाफट बैठ, मैं तुम्हारे पीछे बैठ रहा हूँ, ये जी आज के बाद जब 18 साल के हो गए तब बाइक चलानी है, थैंक यू, मैं बैठा हूँ इनको छोड़ बाबे, वैसे बाइक लेके निकल जा, हम तो इसलिए कह रहे हैं जब आप 18 साल के हो गए तो आपको बाइक वापस भी तो देनी है ना, इसलिए आप साथ रहते हमारे, बाबे निकल जा फटाफट, ले जा बाइक ले जा, आज के बाद कोई भी 18 साल से हो बाबे नहीं हो भाई, आज के बाद 18 से नीचे जिसने भी बाइक चलाई उसकी हमने ऐसे ही बाइक ले जानी है रास्ते से ही, ये तो अलाइनमेंट नहीं, अलाइनमेंट टूटी हुई बाइक है, वापस दे दे, बच्चे रो रहे हैं, उन्होंने पुलिस बुला लेनी है बाबे, पुलिस बुला लेनी उन्होंने, भाई देखो इस बार छोड़ रहा हूँ मैं आपको, ठीक है आज के बाद जो है आपने इस तरह से लॉज तोड़े, ये मेरा मुल्क है, ठीक है मुल्क का नाम खराब करने वाले बच्चे, चुप कर बे कुत्ते, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, बस फिर कल ठीक है मुलाकात करते हैं, खाना हमने वही खाना है जो हमने विदिन 400 रुपए का लिया है, मैं तो कल सुबह पूरा पेट भर के आऊंगा, नहीं पेट भर के आएगा पानी पी जाएगा फिर अंदर पोटी पेशाब करते फिरोगे, खाली पेट आना भाई, तो खैर भाई कल हमारा जो है 24 आवर्स इन अ कार चैलेंज होने वाला है, इस वीडियो के नीचे तुम लोगों ने अपने कुछ डेयर्स वगैरह चैलेंजेस वगैरह तुम लोगों ने देने हैं जो तुम लोगों को लगता है कि मैं गाड़ी के अंदर कर सकता हूँ वो भी हम फिर परफॉर्म करेंगे, फिलहाल लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के टक्की भाई व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना, मिलते हैं कल।